अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सायरा शबीर। आप सबके डाइटिशियन, आई होप यू ऑल आर फाइन और सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज इस टॉपिक को वी आर गोइंग टू डिस्कस एज कीटो डाइट। बहुत फेमस है हर जगह, फैट डाइट, कीटो डाइट, एवरीवन इज़ यूजिंग इट फॉर द वेट लॉस और भी बहुत चीज़ों के लिए लोग जो है वो यूज़ करें कीटो डाइट को। तो आज मैं अपना व्यू दूंगी कीटो डाइट के बारे में कि मेरी क्या जो है व्यूज़ हैं कीटो डाइट में एंड should you take keto diet or not. And first of all, in my opinion keto diet is not good. ठीक है, अगर आप वेट लॉस के लिए कीटो डाइट यूज़ करें तो आई वुड नॉट रिकमेंड कीटो डाइट फॉर यू। फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ हैविंग नॉर्मल रूटीन, यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द कीटो डाइट। क्यों नहीं मैं रिकमेंड करती, आई विल गिव यू द रीजन्स बिहाइंड दैट। इफ आई एम नॉट रिकमेंडिंग कीटो डाइट, वट आर द रीजन्स बिहाइंड दैट। ठीक है, अदर देन दैट इसके ऑफकोर्स कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। देर आर फ्यू कंडीशंस इस जिसमें आपको कीटो डाइट जो है वो लेनी पड़ती है। वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एपिलेप्सी हो गई है, जिसमें आपको डायबिटीज़ या टाइप 2 होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है एंड फिर आपके पास इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है एंड देन यू हैव सीजर्स का प्रॉब्लम जिन बच्चों को होता है। एक्चुअली इन दैट केस कीटोजेनिक डाइट, एक्चुअली वी यूज़ द वर्ड कीटोजेनिक डाइट, हम लोग कीटोजेनिक डाइट जो है वो यूज़ करते हैं। Points why I don't recommend keto diet and why I am not a keto person, उसके मैं आपको points बताती हूँ। सबसे पहला ये है कि keto diet में होता क्या है, you are taking fat based and protein based diet। इसमें आपका 60 to 70% आप जो अपनी एनर्जी होती है वो फैट से ले रहे होते हो, 20 to 25% या 20 to 15%, 15 to 20% आप प्रोटीन से ले रहे होते हो एंड वेरी मिनिमम लो कार्ब लाइक 5 to 10% आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लो कार्ब डाइट और फैट डाइट और कीटो डाइट, इसको हम लोग कीटो डाइट बोलते हैं। जिन लोगों को कीटो डाइट का नहीं पता, फॉर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली द कार्ब्स डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो आपकी बॉडी में कार्ब्स डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, इफ़ यू हैव अ नो हाउ ऑफ न्यूट्रिशन तो आपको पता होगा कि बेसिकली नॉर्मल रूटीन में वी नीड 65 to 70% 55 to 65% आवर एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। तो यू आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग द कार्ब्स इन प्लेस ऑफ फैट्स। ठीक है, आप कार्ब की जगह फैट्स को ले आते हो, फैट्स की जगह कार्ब्स को ले आते हो। तो जो हमारी बॉडी में कार्ब्स डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, वो रिलीज होना खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर नॉट टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो किसके लिए रिलीज होंगे। ठीक है, एक तो वो रिलीज होना बंद हो गए। इसके रिलीज होना बंद होने से क्या प्रॉब्लम होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। एक जो नॉर्मल जो आपकी बॉडी है वो फैट को यूज़ करना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए, आपके वो सारे बॉडी के मैकेनिज़म्स, वो फैट के अंदर, लीवर के अंदर जो मैकेनिज्म जो चल रहे होते हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो चल रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपका वेट लॉस हो गया, आपने कीटो डाइट फॉलो कर ली, व्हेन यू विल गो बैक टू द नॉर्मल रूटीन तो आप उसमें कार्ब्स भी लेते हो, फिर यूजुअली कार्ब्स लेते हो, तो फिर जब आप बैक जाओगे अपनी एक ऑफकोर्स इंसान थक जाता है किसी भी चीज़ से, बैक जाओगे अपने आप अपनी रूटीन पे, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लोगे फिर वो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके जो कार्ब्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, जो कार्ब्स डाइजेस्टिंग आपके एंजाइम्स जो सेल वो एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं होते हैं, वही एक्चुअली बहुत जो डिटोरिएट हो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी सिक्रीशन ही नहीं हो रही होती, वो डिटोरिएट हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ये था नंबर वन प्रॉब्लम आपका। इसका जो नंबर टू प्रॉब्लम है वो आपके बॉडी में आते हैं हार्मोनल चेंजेस में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यू आर टेकिंग हाई फैट एंड हाई प्रोटीन। मोस्टली पीपल सेज कि इसमें हम लोग जो हैं वो हाई प्रोटीन लेते हैं, बट द बेसिक आइडिया वट आई हैव सीन इज पीपल आर टेकिंग मोर फैट एंड मोर प्रोटीन देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ऑफकोर्स जब आप फैट ज़्यादा ले रहे हैं, यू विल हैव एक्नी, यू विल हैव हेयर लॉस, यू विल हैव मैनी अदर प्रॉब्लम्स अदर देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड प्रॉब्लम आपकी होगी हेयर लॉस एंड योर स्किन प्रॉब्लम्स। थर्ड वन इज लिवर डैमेज। एक्चुअली एक पूरा फिनोमेना होता है हमारे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जब स्टोर होता है, या ग्लाइकोजन से जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना दैट हैपन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली व्हेन यू आर टेकिंग मोर फैट्स, आप जब मैं आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ,
कि एक जो सिस्टम एक चल रहा होता है ना, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया कि हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी ले ली आप, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लें, तो बेसिकली आपको उनसे एनर्जी मिलती है, उन्हीं से भी एक मैकेनिज्म बना हुआ है जो कि हमारे मसल्स को, हमारी हर चीज को एनर्जी देता है। जब हम एक्चुअली उसी को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के हम जब अगेंस्ट जाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी डैमेज होती है वो लीवर, क्योंकि उसको ऑल द टाइम उसको फैट्स की और प्रोटीन्स की ही जो है वो मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म उसकी करनी पड़ती है। उसके अंदर कार्ब्स डाइजेस्टिंग या कार्ब्स की जो मेटाबॉलिज्म करने वाले मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, इवन के रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो आपका लीवर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मसल डैमेज आपको कैसे होता है, हमारी जो अल्लाह ताला की तरफ से या जो एक नेचुरल जो शुगर है दैट इज़ ग्लूकोज, जो हमारे मसल्स को चाहिए होती है, जब हम लोग कीटो डाइट पे आते हैं तो हम लोग जो एनर्जी ले रहे होते हैं उसमें बनती है कीटोन बॉडीज, जिसको हम लोग कीटोसिस भी बोलते हैं। प्रोसेस इज नेम्ड एज कीटोसिस एंड द प्रोडक्ट दैट मेड इन दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कीटोन बॉडीज। योर बॉडी यूज कीटोन बॉडीज एज एनर्जी सोर्स, आपकी बॉडी एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करती है कीटोन बॉडीज को, जो कि हमारी एक नेचुरल चीज़ में नहीं है। तो आपके मसल्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, आप फटीक होने लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं हर टाइम, जब एक चीज़ नॉर्मल रूटीन पर नहीं ना होती तो आपको हेयर लॉस तो हो गया, स्किन के प्रॉब्लम हो गई, लिवर डैमेज हो गया, आपको स्टमक के प्रॉब्लम हो गया, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया, और जो चीज़ें इसमें होंगी वो आपको फटीक होगा, आपका मसल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब कीटोन बॉडीज ज़्यादा हो जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर, तो इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो जब कीटोन बॉडीज ज़्यादा होती हैं तो हमारे एक प्रोसेस दैट इज नेम्ड एज कीटो एसिडोसिस, इट इज़ अ डेथ टेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, आपका लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर बर्स्ट हो जाता है, और इवन इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच जब आपके ब्लड की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज आपके ब्लड में चली जाएंगी, आपकी सर्कुलेशन में चली जाएंगी, तो इट कैन लेड टुवर्ड द कीटो एसिडोसिस, जो कि आपके डेथ भी, एक इंसान की जो है वो डेथ भी काज कर सकता है। एंड आई हैव रेड के इसमें जो है बहुत ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं कीटो डाइट की वजह से। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम आता है कि जब आप कीटो डाइट एंड करते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमारा जो वेट लॉस है वो हो गया, वी आर सक्सेसफुल नाउ इन आर प्रोसेस, वी हैव अटेन आवर टारगेट। तो उसमें फिर क्या होता है कि जब आप बैक जाते हो नॉर्मल रूटीन पर, तो उसके बाद जो आपको वेट गेन होता है उसको कम करना 20 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल होता है उस वेट से जो आपने पहले कम किया होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिंपल एक प्रोसेस बता रही हूँ कि देखें, जो आपने वेट कम कर भी लिया, आप नॉर्मल रूटीन में आएंगे तो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, और उसके बाद जो वेट गेन होगा उसको कम करना 20 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल होगा जो आपने पहले जो है वो वेट कम किया है। फिर जो अदर इसका प्रोसेस होता है, एक्चुअली जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन जब हम लोग कीटो डाइट पे आते हैं तो हमारी ग्लाइकोजन जितनी होती है वो डिप्लीट हो जाती है हमारे लीवर से। तो जब आपकी 1 ग्राम ग्लाइकोजन जाती है तो उसके साथ 3 ग्राम आपका वाटर भी चला जाता है। एक्चुअली जो आपका एक्चुअल स्टार्ट में वेट लॉस हो रहा होता है ना, वो इसी तरह से हो रहा होता है, वो एक्चुअली आपका जो वेट लॉस होता है वो वाटर लॉस होता है। एक्चुअली वो वाटर वेट आपका कम हो रहा होता है, वो आपका जो 5 to 6 kg आप कीटो डाइट में कर लेते हैं ना, वो आपका एक्चुअल फैट लॉस नहीं हो रहा होता, वो आपका एक्चुअली वेट लॉस हो रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है आपके लीवर के अंदर, तो जब आपकी ग्लाइकोजन डिप्लीट होती है तो उसके साथ हर 1 ग्राम ग्लाइकोजन के साथ 3 ग्राम जो है वो आपको वाटर जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। तो कीटो डाइट जो करती है उनके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको वाटर की इनटेक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, एंड दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर वाटर इनटेक एज वेल, बट पीपल डोंट केयर, और उसकी वजह से फिर डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड डिहाइड्रेशन किस तरफ लेके जाती है, दैट इज़ अनदर टॉपिक, वो एक अलग टॉपिक है, उसके कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बॉडी है, जो आपका ब्रेन है, जहाँ से थिंकिंग, जहाँ से आपकी कॉग्निटिव पावर, जहाँ से आपकी ईच एंड एवरी थिंग इज़ वर्किंग फ्रॉम हेयर, तो जब इसके लिए जो मेन सोर्स है दैट इज़ ग्लूकोज इसके लिए एनर्जी का सोर्स है। तो वो एक रैपिड प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनती है और आपके माइंड को या ब्रेन के सेल्स को चली जाती है। ब्रेन सेल्स आर द ओनली सेल्स इन योर बॉडी विच कांट लिव विदाउट एनर्जी फॉर अ सेकेंड्स, फॉर फ्यू सेकेंड्स, उनको सबसे पहले एनर्जी चाहिए होती है।
तो क्या होता है कि जब आप जो है ये कीटो डाइट पे जाते हैं तो आपका ब्रेन भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, आपकी थिंकिंग पावर कम हो जाती है, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको ये इफेक्ट करता है, आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस में हो जाता है, इसमें फटीक होती है, हॉर्मोनल इम्बेलेंस होता है। कितने मतलब मुझे सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही मिलते हैं, पॉजिटिव इसके बहुत कम है। पॉजिटिव इसके ये क्लिनिकल कंडीशन में एक्चुअली दी जाती है, जिन लोगों को सीजर्स का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को एपिलेप्सी, जिन लोगों को झटके लगते हैं ना, एक्चुअली एपिलेप्सी इज अ डिजीज, सो मेमोरी लॉस हो जाता है, थोड़े से झटके लगते हैं, उसमें हम लोग ये जो है वो देती हैं। और दूसरा जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इसमें जो है ना वो बताना चाह रही थी कीटो डाइट में, उसमें होता ये है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि बेसिक हमारा पोर्शन होते हैं, कार्ब्स का दैट आर सोर्स ऑफ मल्टी वाइटामिन, एक्चुअली आपको वही नहीं मिल रहा होता। जब आप लोग मल्टी वाइटामिन नहीं ले रहे तो यू माइट नो कि इसके कितने ज़्यादा जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी आपके बॉडी में आ सकते हैं। तो खुदारा कीटो डाइट पे ना जाएं, आपका वेट लॉस एक हेल्दी तरीके से हो सकता है, दिस इज़ वेरी इजी, आप हर चीज़ खा के अपना जो है वो वेट कंट्रोल कर सकते हैं। और दिस इज़ नॉट अबाउट द डाइट, इट्स अबाउट योर हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें। कीटो डाइट इज़ नॉट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल नॉट रिकमेंड कीटो डाइट टू एनी ऑफ माई क्लाइंट, एंड आई होप दैट एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस, हाउ मेनी हार्मफुल इफेक्ट इट इज़ हैविंग ऑन योर बॉडी एंड हाउ इट कैन लेड्स टूवर्ड्स द डेथ एज वेल। सो खुदारा इसको ना करें, और प्लीज़ इस मैसेज को शेयर करें, जो जो लोग जो है कीटो डाइट फॉलो करें उनके साथ ये शेयर करें, ताकि उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। देखें आप जब मेरी इंस्टाग्राम पे जाके सारा देखें आप ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने किसी को जो है वो कीटो डाइट तो नहीं दी, लोगों का वज़न कम हो रहा है, हेल्दी तरीके से हो रहा है, वो रोटी भी खा रहे हैं, वो चावल भी खा रहे हैं, वो हर चीज़ खा रहे हैं, वो सब्जियाँ भी खा रहे हैं, वो फल भी खा रहे हैं, वो दूध भी पी रहे हैं, वो ड्राई नट्स भी खा रहे हैं। तो वो मेरी बात सुने कि जब तक आज जब आप हेल्दी वे से कर सकते हैं तो वाई यू हैव टू यूज़ वेरी हार्मफुल वे, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो वीडियो बहुत लंबी होगी है क्योंकि इसके जितने हार्मफुल इफेक्ट्स थे अभी और बहुत ज़्यादा है, मैंने सिर्फ आपको मिनिमाइज करके बताए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड दुआओं में मुझे बिल्कुल याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस तरह की वीडियो बनाती रहूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे हैं वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, दोनों जगह पे माय नेम इज डाइटिशियन सायरा, एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।